सो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ ज़ैक बर्ज गेमिंग। गाइस आज भाई वैसे तो आप हमारा टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाहते हैं, लेकिन गाइस मैं आपको फिर भी एक बार बताना चाहूंगा। इस आज हम बताने वाले हैं टॉप 5 अपकमिंग गेम्स जो कि गाइस 2022 के अंदर ही लॉन्च होने वाले हैं। और भाई वो इतना ज़्यादा अच्छे गेम है कि होप आपको अच्छे लगने चाहिए, बिकॉज गाइस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। भले ही वो आए नहीं, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन या फिर आप उसके जो बायो बोलते हो अगर वो पढ़ोगे ना कि उस गेम में क्या क्या आने वाला, तो गाइस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे गेम आपको भी लगेंगे। और भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल आइकन कॉल पर सेट कर देना, जिससे कि हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो गाइस पहले तो हम बात कर लेते हैं नंबर 5 के बारे में। भाई जो गेम नंबर 5 पर आता है जो कि लॉन्च होने वाला है 2022 के अंदर, उसका नाम है पोके लेजेंड्स आरसीएस एनडीएस। ये एक पोकेमॉन गेम है, आप नाम सुन के समझ गए होंगे। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये ऐसा पहला गेम है जो कि पोकेमॉन का ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है। और भाई ये लॉन्च होगा 20 जनवरी 2022 के अंदर। और भाई इसकी प्लेटफॉर्म होगी निंटेंडो स्विच की, ठीक है। और गाइस मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई ये पहला पोकेमॉन का ओपन वर्ल्ड गेम होगा। तो भाई अब हम बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं। भाई जो गेम नंबर 4 पर आता है भाई, इसका नाम है रेनबो सिक्स एक्सट्रैक्शन। एंड भाई इसकी प्लेटफॉर्म जो होने वाली है वो काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म्स हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो इसकी प्लेटफॉर्म्स होने वाली है, वो होने वाली है PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC, Google Stadia एंड Amazon Luna। इन सब में ये आने वाला है, मतलब इन सब में ये चल सकता है गेम रेनबो सिक्स एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और भाई इसकी रिलीज डेट होने वाली है 20 जनवरी 2022 को। तो ये 20 जनवरी को रिलीज हो जाएगा, तो आप इसको तब 20 जनवरी को ही खेल लेना भाई, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो भाई जो गेम नंबर 3 पर आता है भाई, उसका नाम है डाइंग लाइट 2। और भाई इसकी जो प्लेटफॉर्म्स होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ है इसमें जो सभी के पास ही होनी चाहिए, लगभग सबके पास होगी और उसमें वो खेल सकते हैं, जो कि PC। तो ये PC में भी अवेलेबल होगा गेम, और PS4 एंड Xbox One में भी अवेलेबल हो सकता है गेम, ठीक है। तो अब हम इसको बताते हैं इसकी रिलीज डेट क्या होने वाली है भाई, इसकी मेन चीज़ रिलीज डेट। तो इसकी जो रिलीज डेट होने वाली है वो होने वाली है 4 फरवरी 2000। भाई 20,000 पे पहुंच गया मैं, पागल हूँ क्या? 2022 ब्रो, ठीक है। 4 फरवरी 2022 को ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको खेल सकते हो, इसका नाम है डाइंग लाइट 2। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जैसे ये लॉन्च हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो भाई जो गेम नंबर 2 पर आता है भाई, उसका नाम है सीफू। एंड भाई उसकी प्लेटफॉर्म्स होने वाली है PS5, PS4 एंड PC। भाई ये तीन ही प्लेटफॉर्म्स मारा है जो कि मैंने आपको बता दी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी रिलीज डेट के बारे में। तो भाई जो इसकी रिलीज डेट होने वाली है वो होने वाली है 8 फरवरी 2022 के, मतलब ये 8 फरवरी को लॉन्च हो जाएगा 2022 में भाई। तो गाइस मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें सारे गेम्स मैं जो बता रहा हूँ वो 22 में ही आ जाएंगे, 2022 में, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो जो नंबर 1 है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस गेम है, उसका सेकेंड पार्ट या सेकेंड वर्जन आप कह सकते हो वो आ रहा है। और भाई उस गेम का नाम है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। और भाई इसके प्लेटफॉर्म्स होने वाली है PS5, PS4, सिर्फ इन दोनों में ही आएगा, PlayStation में ही आएगा, नो PC, मतलब PC में नहीं खेल सकते इसको, सिर्फ हम PlayStation में खेल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बता दें इसके रिलीज डेट के बारे में। तो ये जो गेम है ये रिलीज़ हो जाएगा हमारा 18 फरवरी 20, भाई मैं फिर से 20,000 बोल रहा था, 2022 को ये गेम भी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। 18 फरवरी 2022 को लॉन्च हो जाएगा। एंड इसका नाम है होराइजन फॉरबिडन वेस्ट। एंड एक बार फिर से इसकी प्लेटफॉर्म्स बता देता हूँ, ओनली PS4 एंड PS5, इन दोनों में ये गेम चलने वाला है। तो अगर आपको मेरा आज की लिस्ट अच्छी लगी हो यार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने जितना हो सका इस वीडियो को उतना शॉर्ट कट बनाने की कोशिश करी, ताकि आप लोग भी बोर ना हो, और होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और बाय बाय।